शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। जब तक हमारे दोस्त लाइव आ जाएं, 2 × (-6) = 676/26, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 × (-6) = 676। कोई टेंशन नहीं लो, कोई टेंशन दुखी, मुझे पता है हनी हमारी फ्रेंड ऐसी है जो सिर्फ 2 मार्क्स की वजह से गई, लेकिन मैं गारंटी देता हूं हनी अगली बार आपका JRF क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूं। आप खाली थोड़ा अच्छी तरह से मेहनत करिए। 2 × (-6) = 676 / 26, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास ऑप्शन है 9 × 15/26, 16 × 26। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कि क्या होना चाहिए आंसर इसका। 9 होगा, 15/26 होगा, 16 होगा कि 26 होगा। जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। अभी तक किसी का भी एक आंसर नहीं आया है। हम लोग यहां करेंगे फिर क्या एग्जैक्टली है आंसर, फटाफट बताइए मुझे क्या आंसर होगा। तो जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए कि क्या आंसर होगा। चलिए नहीं तो हम देखते हैं, क्योंकि अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया मुझे। ओके, हनी कह रही है 15/26। ओके चलिए, कह रहा है अच्छी तरह से देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 × (-6) मैं थोड़ा इसका चेंज करता हूं ये। चलिए 6 = 676/26। तो अगर मैं देखिए 2 × (x), यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या सोचा है कि ये x है, ठीक है। -6 = अगर 676 को हम लोग 26 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26। x 2 × (-6) = 26, तो वहां हो जाएगा 6 तो प्लस हो जाएगा 2 × (x) = 32। x = 32/2 = 16। वेरी गुड, मधुर सर बोल रहे हैं 16। मधुर सर राइट है, बिल्कुल बढ़िया मधुर सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मधुर सर। मधुर सर का अभी अभी हमारे मधुर सर का नेट क्लियर हुआ है, एकदम बढ़िया मधुर सर, आई एम रियली हैप्पी, फैंटास्टिक सर। चलिए बहुत बड़ी बात है कि मधुर सर हमारे यहाँ पे आए हैं, आई एम ओब्लाइज सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 16, हमने आंसर तो लिख दिया है, देखते हैं आंसर क्या है। यस, आंसर इज 16, परफेक्ट सर, पर आंसर का सर का आंसर राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने भावना नेक्सेट अकेडमी के लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मैं अन अकेडमी में लाइव लेसन्स लेता हूँ और ऑफलाइन लेसन्स भी मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमको अन अकेडमी फॉलो करना चाहिए तो ये मेरा कोड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एनवायरमेंट एलिमेंट्स आर डैश। हाय यश, बायोलॉजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट, कल्चरल एलिमेंट, ऑल द दिस या ऑल द अबव। एनवायरमेंटल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट, कल्चरल एलिमेंट, ऑल द अबव। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए फटाफट क्या होगा। बायोलॉजिकल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट, कल्चरल एलिमेंट, ऑल द अबव, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए मुझे जो लोग लाइव हैं, फटाफट बताइए दोस्तों। सेकेंड, ओके यश कह रहे हैं सेकेंड का डी, ओके ठीक है बढ़िया। नाउ एनवायरमेंट एलिमेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ एनवायरमेंटल फैक्टर विच इंक्लूड्स फिजिकल एनवायरमेंट, देन कल्चरल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट,
डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, तो आंसर इज व्हाट, डी। परफेक्ट, फिर भी देख लेते हैं कि आंसर डी होगा कि नहीं होगा। चलिए तो आंसर देख लेते हैं, आंसर इज डी। यस वेरी गुड, बिल्कुल यस, विनय भी बोल रहे हैं डी, यश डाली भी बोल रही है डी, वेरी गुड परफेक्ट। नाउ डिस्टेंस एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश, डिस्टेंस एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश ट्रेडिशनल एजुकेशन, ओरिएंटल एजुकेशन, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। डिस्टेंस एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश ट्रेडिशनल एजुकेशन, ओरिएंटल एजुकेशन, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी डी। ओके विनय बोल रहा है बी, बाकी के लोग भी फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यश, यश डाली, जो भी लोग लाइव हैं फटाफट बताएंगे कि क्या आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, प्लीज लाइक जरूर करिए। दोस्तों आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो जल्दी से जल्दी जवाब फोर्थ का दीजिए, थर्ड का सी जवाब आ रहा है यश का। ओके यश कह रहा है थर्ड का सी। ओके और कोई फटाफट बोलिए, और कौन है जो लोग लाइव हैं, जवाब दीजिए। विनय, यश डाली, जो भी लोग लाइव हैं, यश डाली बोल रही है ओके थ्री सी। ओके सब लोग सी बोल रहे हैं। तो भाई डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूंगा, तो डिस्टेंस एजुकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग इज एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स हु मे नॉट ऑलवेज बी फिजिकली प्रेजेंट एट द स्कूल। ट्रेडिशनली दिस इज नोन एज करेस्पॉन्डेंस कोर्स। द फर्स्ट डिस्टेंस एजुकेशन वॉज मॉडर्न साइंस प्रोवाइड बाय सर आइजेक पिटमैन इन 1840। पहली बार जो डिस्टेंस एजुकेशन चालू हुआ वो 1840 में हुआ। उसके बाद अगर पहली यूनिवर्सिटी बोलेंगे जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन चालू किया वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इन्होंने 1858 में चालू किया है डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन की बात करूं तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, गोइंग बियॉन्ड चॉक एंड बोर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब ही होता है गोइंग बियॉन्ड चॉक एंड बोर्ड। तो मैंने आपको एजुकेशन, जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसका पूरा का पूरा डिटेल बता दिया है कि क्या है डिस्टेंस एजुकेशन। चलिए आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल, सबका आंसर राइट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज डैश, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज डैश, जल्दी से जल्दी बताइए। नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली, यूज्ड बाय पीपल टू मेक डिसीजंस, नन ऑफ दीस। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होता है, फटाफट बताएंगे। योगिता ने पहले का आंसर दिया, और जब भी आप आंसर दीजिए प्लीज आप क्या करेंगे, आप बता देंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। चलिए फटाफट बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी होगा, जल्दी से जल्दी। ओके यश कह रहा है सी, बाकी के लोग फटाफट बताइए। योगिता कह रही है सी। ओके विनय, यश, यशु दिल, क्या लिखा है, यशु दिल, ये यश डाली, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्टली नेम। विनय कह रहा है फोर्थ का सी। चलिए तो अगर मैं डेटा की बात करूं, डेटा आर सिंपली मींस फैक्ट्स और फैक्ट्स और फिगर्स, वेयर एज जब वो डेटा वी आर गोइंग टू यूज, वी आर
going to use in proper way, that is interpretation of data, analysis of data, that becomes information. यानी जो डेटा पहले रॉ डेटा है वो किस में कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन में. और हम डेटा भी ज्यादातर यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन भी ज्यादातर यूज करते हैं. सो ऑफन यूज्ड डेटा इंटरचेंजेबली या इंफॉर्मेशन आल्सो. तो आंसर इज बी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. फिर भी देखते हैं क्या होगा इसका आंसर. बिल्कुल बी, दैट इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. हम डेटा भी 99% यूज करते हैं और हम लोग इंफॉर्मेशन भी यूज करते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी डैश ओकेशनल रोर्स ऑफ लाफ्टर कंप्लीट साइलेंस फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स. अगर आपको क्लास जागता हुआ चाहिए, क्लास एकदम अट्रैक्टिव चाहिए, क्लास एकदम बढ़िया चाहिए, तो क्लास के अंदर क्या होना चाहिए? ओकेशनल रोर्स ऑफ यानी ठहाके होने चाहिए बीच बीच में, या फिर कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए, या फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग होना चाहिए, लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स होना चाहिए. तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. ए बी सी डी होगा. क्या होगा भाई? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा. हर रोज हम पांच सात ऐसे मॉक टेस्ट करेंगे, लेसन्स करते जाएंगे. सी जवाब आ रहा है. अमोल कह रहे हैं सी, विनय कह रहे हैं सी. ओके ओके, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यश, योगिता, आपका जवाब आया नहीं है, फटाफट बोलिए क्या होगा इसका आंसर. दो जनों का जवाब आ चुका है, अमोल और विनय का. तो जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर. चलिए, अगर अगर मैं कोई भी क्लास की बात करूं, योगिता कह रही है सी. भाई अगर मैं कोई भी क्लास अगर मैं कहूं कि बहुत बढ़िया है, तो सीधी सी बात है वहां पे क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट का डायलॉग होना चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि हाँ हाँ यश नहीं, यश आपका आंसर नहीं है मेरे पास अभी तक. ओके, यश ने दिया है फिफ्थ का सी. तो चलिए देखते हैं फिफ्थ का सी बरोबर. तो दोस्तों आज का टेस्ट यहीं पे विराम लेता हूं, और यहीं ऐसे ही कल हम लोग वापस से कंटिन्यू मॉक टेस्ट शुरू करेंगे. विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डील टुमारो. नाउ अगेन टुमारो वी आर हैविंग मॉक टेस्ट ऑफ पेपर वन ओनली. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर पेपर वन मॉक टेस्ट. आप अपने आप को प्रिपेयर करिए. और जो कमिंग मंडे होगा, कमिंग मंडे से हम लोग, मैं आपको पूरा टाइम टेबल बता दूंगा कि हम लोग आज हम क्या करेंगे, कल क्या करेंगे. हर वीक का मैं आपको टाइम टेबल बताते जाऊंगा. टाइमिंग हमारा फिक्स्ड है 6:15. हमारा टाइमिंग फिक्स्ड है 6:15 एक्सेप्ट संडे. संडे को छोड़ के बाकी सब दिन 6:15 रहेगा. 6:15 से लेके 6:35, 6:40 या 6:50 तक भी चलेगा. ठीक है, तो कल यानी दो तीन दिन खाली मैं मॉक टेस्ट लूंगा जब तक मैं पूरा टाइम टेबल बना लूं. 99% हम लोग शुरू करेंगे कम्युनिकेशन से. हम लोग शुरू करेंगे कम्युनिकेशन से मंडे से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे. तो अपने साथ आप नोट्स रेडी, मैं पीपीटी भी डालते जाऊंगा, पीपीटी को डाउनलोड करते जाइए. ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ में अनअकैडमी में पेपर 2B के पे अभी जैसे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है उसका मैंने कोर्स 1 जिसमें 5 लेसन है वो अपलोड किया है कल परसों तक. और 5 लेसन ऐसे करते मैं बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ के जो भी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है वो सब अपलोड करते जाऊंगा. अनअकैडमी में आप फॉलो कर सकते हो डॉक्टर विनोद चांदवानी को. साथ ही साथ ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप भावना नेटसेट अकेडमी को भी सब्सक्राइब करिए. चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर.